Hello friends, welcome to Maitreya Mantras. My name is Ankur Kumar Sharma and today I am here with a video that will excite you. Friends, vacancy आई है UPPCL में जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे. UPPCL में वैकेंसी आई भी है और वो भी 2 या 3 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी. ठीक है, सो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये. देखो इसमें क्या वैकेंसी किसके लिए है, टोटल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड फोर्थ कैटेगरी जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग. तो हमारी 4 ब्रांचेज जो हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी है. इसमें वैकेंसीज की लिस्ट भी आपके सामने ही है, इसमें देख सकते हैं आप. मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बस यहाँ पे आपको एक थोड़ा एक्साइटेशन के लिए वीडियो बनाइए जिससे कि आपको पता चल जाए कि वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकें. सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से पहले असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी AE की वैकेंसी है. JE की वैकेंसी तो एक दो बार आ चुकी है बीच में, लेकिन AE की वैकेंसी 2016 के बाद अभी आई है. सो AE की वैकेंसी में पहला है इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकल में 180 वैकेंसी है टोटल, उसमें से जनरल की 132, OBC की 31, SC की 17 और ST की 0 वैकेंसी. यहाँ पे है असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की 40 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 19 वैकेंसी है हमारी OBC जनरल की, जिसको हम अनरिजर्व भी बोलते हैं. 14 हमारा OBC, 6 SC और 1 वैकेंसी ST के लिए. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 61 वैकेंसी हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी. और सिविल इंजीनियरिंग में हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 18 हैं, 18 में से 12 हमारी जनरल की हैं और बाकी OBC की 5 और SC की 1 और ST की 0 वैकेंसी हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट फॉर वैकेंसीज, मतलब कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में निकली हैं. तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों को प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा गेट और ईएस एग्जाम कोई नहीं है इस टाइम पे, जिस टाइम ये होने वाला है दिसंबर में एग्जाम अनाउंस हो जाएगा. आई थिंक 15 दिसंबर तक एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे. देखिए उसके बाद हमारा पे, इसमें जो पे स्केल होता है वो हमारा 7th पे स्केल होता है इसमें. तो अभी 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग 56,100 यहाँ पे मिनिमम लेवल दिया हुआ है, मतलब 56,100 हमारा मिनिमम यहाँ पे होने वाला है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन. तो क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हैं लोग, बस एक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए. जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद AICT अप्रूव्ड किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हमारी CS की यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, BTech. फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ सिविल, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी भी AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से. एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया इसमें 21 से लेके 40 साल तक का एज क्राइटेरिया होता है. 21 से 40 साल के बीच वाले लोग सब भर सकते हैं इसको. और एज क्राइटेरिया हमारी कैलकुलेशन होगी 1 जुलाई 2018 से. उसके बाद है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट. अपर एज लिमिट की क्राइटेरिया ये सब लिखे हुए हैं, इनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं. OBC के लिए 5 साल है और फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल है और बाकी आपको दिख ही रहा है इसमें जो भी है. रिजर्वेशन, वही रिजर्वेशन तो आपको पता ही है कि इसमें क्या मिलता है, क्योंकि इसमें से आपको वही हैंडीकैप के लिए और जो भी है जनरल OBC का जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, इसमें पहले एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद आपको फिर इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा. एग्जाम सेंटर्स आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं. देखो एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन पेपर सेल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल. चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक सिलेबस के लिए और आगे का क्राइटेरिया क्या है उसके लिए मैं आपको दोबारा से बताऊँगा. ठीक है, वैसे जो गेट 2018 का सिलेबस है वही हमारा इसके लिए सिलेबस होगा, बट एक मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना देता हूँ जिसके जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आगे का पेपर का क्या क्राइटेरिया है. तो अभी के लिए आपको वैकेंसी निकली है UPPCL में असिस्टेंट इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जाके अपना प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए. सो अभी के लिए इतना ही. सो थैंक यू सो मच. ओके.